नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? लॉकडाउन में आपने क्या नया सीखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम बनाने वाले हैं गट्टा चावल। गट्टा चावल राजस्थान की एक पारंपरिक रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं होती है। गट्टा चावल आप या तो चावल को बनाकर बनाएं या फिर बचे हुए रात के जो चावल होते हैं उससे बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे रात के बचे हुए चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। गट्टा चावल बनाना इतना आसान होता है कि इसे आप कभी भी 10 से 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए गट्टा चावल बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक थाली में एक कटोरी बेसन लिया है। इसमें हम एक चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर कर सकते हैं। हल्दी मैंने यहाँ बिल्कुल थोड़ी सी ली है। नमक स्वाद अनुसार। जीरा, जीरा आधी चम्मच के करीब, थोड़ा सा हींग पाउडर, मोयन के लिए तेल, तीन छोटी चम्मच खड़ा धनिया, एक छोटी चम्मच जिसे कि साबुत धनिया भी कहते हैं उसे मैं यहाँ पे थोड़ा दरदरा पीस लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर रोटी के आटे जैसा गूंथ लेंगे। गुथे हुए बेसन की छोटी छोटी लोई बनाएं और लोई को लंबा करके रोल्स तैयार करेंगे। करीब एक गिलास पानी को हमने एक कढ़ाई में उबलने के लिए रख दिया है। जब ये अच्छे से उबल जाएगा तब हमने जो बेसन के रोल बनाए हैं वो हम इसमें डालेंगे। अब ये पानी देखिए उबलने लगा है। अब हमने जो रोल्स बनाए हैं वो इसमें एक एक करके डालेंगे। अब हम करीब इसे 5 मिनट के लिए उबलने देंगे। कढ़ाई को ढकना नहीं है, ऐसे ही खुले में ही इसे उबलने दें। करीब 5 मिनट के बाद गट्टे इस तरह से फूल कर ऊपर आ जाएंगे। अब हमारे गट्टे तैयार हैं। बेसन के गट्टे बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार चावल में डालेंगे और कुछ गट्टे हम फ्रिज में रख देंगे। इन गट्टों को आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बाद में आप चाहें तो इन गट्टों को ऐसे ही कट करके सूखा फ्राई करें, सब्जी की तरह खाएं, या फिर इसकी गीली ग्रेवी वाली बेसन गट्टे की सब्ज़ी भी तैयार कर सकते हैं।
चाकू की सहायता से हमने गट्टे को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम कढ़ाई में राई डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म है, फटाफट राई तड़कने लगी है। अब हम इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा ज़्यादा डालें, चावल में अच्छा लगता है। अब हम इसमें करीब 3-4 लौंग डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, मीठी नीम डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा सा हींग। अब इसे चम्मच से अच्छे से चला लें। अब हम इसमें जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बेसन के गट्टे काटे थे वो डालेंगे। वो इसे अच्छे से चलाएंगे। जब ये हल्के से गर्म होने लगे तब हम इसमें बहुत ही कम, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। जब ये अच्छे से गट्टे गर्म हो जाएंगे तब हम इसमें चावल डालेंगे। अच्छे से चम्मच की सहायता से चलाएंगे। अच्छे से मिलाना है। अभी हमारे गट्टे चावल तैयार हो गए हैं। इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। हमारा गट्टा चावल तैयार हो गया है। अब हम इसे हरे धनिए से सजाकर परोसेंगे। हरे धनिए से इसका कलर और स्वाद दोनों ही बढ़ जाते हैं। हरे धनिए का उपयोग आप ज़रूर करें।